नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुबाम भागम पाणो महाशय करचार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। राम राम रटते रहो कि धरे रहो मन धीर, कारज सभी संवार हैं सीतापति रघुवीर। राम राम रटते रहो कि जब तक घट में प्राण, कबहु कदीना नाथ के भनक पड़ेगी कान। आई भक्तों, विजय कैसेट के माध्यम से हत्यारिन बहन का पावन प्रसंग है। बड़ी ही मार्मिक दर्दनाशक कहानी है। एक बंधन है, फिर हत्यारिन बहन की पावन कथा विजय कैसेट के माध्यम से आप लोग श्रवण करेंगे। कैसे दिन काटी हैं जतनी बताए जइयो, कैसे दिन काटी हैं कैसे दिन काटी हैं कैसे दिन काटी हैं जतनी बताए जइयो, कैसे दिन काटी हैं। यही पार जमुना वही पार गंगा, यही पार जमुना वही पार गंगा। बीच में मलैया प्रीतम, बीच में मलैया स्वामी हम का छवाय जइयो, कैसे दिन काटी हैं कैसे दिन काटी हैं जतनी बताए जइयो, कैसे दिन काटी हैं। आचरा फारी गोरिया कागज बना, आचरा फारी गोरिया कागज बनावे, हमारी सुरतिया प्रीतम, हमारी सुरतिया रसिया हियारे बरसाए लइयो, कैसे दिन काटी हैं कैसे दिन काटी हैं जतनी बताए जइयो, कैसे दिन काटी हैं।
कहते कबीर सुनो भाई साधो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, बहिया पकड़ के हमका रहिया बताए जइयो कैसे दिन काटी हैं, कैसे दिन काटी हैं जतनी बताए जइयो कैसे दिन काटी हैं। आइए हत्यारिन बहन की पावन कथा की ओर। बड़ा ही गरीब परिवार था एक, जिसमें एक बूढ़ी माँ जिनके पति पहले ही एक्सपायर हो गए थे, सात बेटियाँ और एक बेटा भगवान ने उन्हें दे रखा था। स्थिति गरीबी की बड़ी नाजुक होती है। बेचारी बूढ़ी माँ दर दर की ठोकर खा रही हैं, गरीबी की हालत में करती क्या है। मजदूरी जाए काम करे ध्याई घर में सुकुमारी, मजदूरी जाए काम करे ध्याई घर में सुकुमारी, दर दर की ठोकर खाई रे पड़ रही मुसीबत भारी। भाई हो नहार बलवान बेटी साथ रही बूढ़ा की सुंदर बदन करार, भैया हो नहार बलवान समय का चक्कर भारी है, यारो होने है बलवान। गरीबी की स्थिति बड़ी नाजुक होती है। सात बेटियां हैं उस बूढ़ी माँ के, एक बेटा है, सातों बेटियां धीरे धीरे सयानी हो रही। किसी तरह से कंडा लकड़ी बीन कर बेच कर उन बेटियों का ब्याह करती हैं। बड़े ही मन में उमंग है और सातों बेटियों की जब शादी कर रही हैं, अरे बिटियन को ब्याह रचायो, अरे बिटियन को ब्याह रचायो, निज घर पर बारात बुलायो, बूढ़ी माँ मन हरसाए रही हैं धीरे धीरे, बेटिन को ब्याह कराए रही हैं धीरे धीरे।
आज बेटा भी मन हर साय रहे हैं धीरे धीरे। सात बेटियां थीं, किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके घर में कुछ धन इकट्ठा किया, फिर अपनी सातों बेटियों का ब्याह एक एक करके कर दिया, सभी को बड़े प्रेम भाव के साथ में ब्याह कर दिया। और इस तरह से धीरे धीरे हुआ क्या, अरे दिन दिन में गरीबी आई, अरे दिन दिन में गरीबी आई, मन में सोच रही बूढ़ी माई, कहवा से हम भोजन लाई, कैसे बेटा की करो पढ़ाई, बेटियों का तो ब्याह कर दिया किसी तरह से, लेकिन धीरे धीरे और गरीबी आ गई। बूढ़ी माँ विचार कर रही कि मैं अपने बेटों का अब किस तरह से इस बेटे का पालन पोषण करूँगी, कैसे मैं इसे पढ़ाऊँगी, कैसे लिखाऊँगी। लेकिन फिर धीरे धीरे बेटा कुछ सयाना हुआ और वह बेटा अपनी माता से बोला, मैया बोलो बेटा, अगर माँ मुझे आप आज्ञा दे दें तो मैं आज्ञा जाऊं यदि पाई, सुनो मोरी महतारी, आज्ञा जाऊं मैं पाई, सुनो मोरी महतारी, माता तो अब विदेशवा को मैया देओ आज सिधारी, अगर आप मुझे आज्ञा दे दें माँ तो मैं आपका आशीर्वाद लेकर के विदेश चला जाऊँ, कुछ कमाई कर लाऊँ, और जब मैं विदेश जाऊँगा तो कुछ कमाई करके लाऊँगा, हमारी आपकी ये जो गरीबी है ये दूर हो जाएगी। आज माता है तो बूढ़ी, लेकिन अपने बेटा को धीरज बंधाती है कि ठीक है जाओ बेटा, आज्ञा दे दिया। आज सुशर्मा कि मैया की आज्ञा पा करके बेटा परदेश को जाते हैं, मैया की आज्ञा पा करके बेटा परदेश को जाते हैं, और मैया रही निरताई लाल मोई छोड़ी विदेश को जाते हैं, मैया तो रही निर माता उसी ओर देखती रही, और बेटा अपना झोला ले लिया, कुछ खाने की व्यवस्था जो सूखी रोटी है नमक है रख लिया उसी में, और घर से परदेश को कमाई करने के लिए चल दिया। आज मैया दूर तक देखती रही जब तक वो बेटा दिखाया, क्योंकि माँ की आँखों की ज्योति उसी बेटे पर ही टिकी है, वो बेटा ही सब कुछ था। आज बेटा के लिए माँ यहाँ बैठी सोच रही, और बेटा मोरे रामा सात बहिनी के रे बिरना चले हैं पार देसा, चले हैं पार देसाई हो, मोरे रामा सात बहिनी के रे बिरना चले हैं पर
देशा चले हैं परदेसाई हो। मोर रामा एक बान नाग है दुई नाग है तीसरे पर देशा तीसरे पर देसाई हो। रामा हे रामा कर लागे मेहनत माँ जोरिया मजूरी करी खावई मजूरी करी खावाई हो। माता से आज्ञा लेकर के जिस समय परदेश को बेटा कमाई करने के लिए गया, किसी भी फैक्ट्री में जा कर के मेहनती बालक है इसलिए काम मिल गया, एक शहर में जब उसे काम मिल गया, नमक रोटी खा रहा है, एक एक पैसा बचा करके बैग में रख रहा है, ये मन में अभिलाषा है कि मैं जब खूब पैसा कमा करके घर को जाऊंगा तो मेरी माता बड़ी प्रसन्न होगी क्योंकि वो बहुत गरीबी में पली है। आज मेरे भक्तों गरीबी की स्थिति वैसे होती है, गरीबी में कोई अपना नहीं, कहा गया बनते हैं दोस्त हजार जो पैसा पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, ऐसी गरीबी की स्थिति होती है। वो एक एक पैसा कमा करके रखता है। इधर 3 बरस बीत गए उसे परदेश में फैक्ट्री में नौकरी करते हुए, अपने अपने घर में बहनें सोच रही हैं 3 बरस बीत गए मेरे भैया नहीं आए, क्या कह रही हैं, भैया आए नहीं कौन माजा बुरी होई है, सभी बहनें अपने अपने घर में रो रही हैं क्योंकि भाई बहन का बड़ा ही महान प्रेम होता है। आज बहनें सोच रही हैं ना जाने क्यों 3 बरस हो गए मेरे भैया नहीं आए, इसलिए रो रही हैं, भैया आए नहीं दद्दा आए नहीं बिरना आए नहीं कौन माजा बुरी होई है। माता तो घर में है, बेटा परदेश में कमाई कर रहा, बहनें अपने अपने ससुराल में सोच रही। या तो रुपया पैसा न होई है बिरना आए ना हमारी, या तो रुपया पैसा न होई है या तो रुपया पैसा न होई है दद्दा आए न हमार, आ तो बरखा महिहा लागी ना, आ तो बरखा महिहा लागी ना मंजूरी होई है दद्दा आए नहीं कौन माजा। बहने सोच रही या तो मेरे भैया की बरखा में कहीं नौकरी ना लगी होगी, या तो पैसे नहीं होंगे इसलिए मेरे भैया नहीं आए, लेकिन भाई बहन का ऐसा प्रेम होता है, भैया भोला सबके भैया आए द्वार बिरना आए ना हमार, सबके भैया आए द्वार बहना सोच रही भैया दद्दा, सबके भैया आए द्वार दद्दा आए ना हमार, सबके बिरना आए द्वार बिना भैया करे दिल माना,
बिना भैया के रे दिल माना सबूरी होई है, बिना आए नहीं कौन मजा। आज बहन इस तरह से सोच सोच करके रो रही है, ना जाने मेरा भैया क्यों नहीं आया, सभी के तो भैया लोग आए लेकिन मेरा भैया नहीं आया, इसलिए सोच रही है। बिरना लागी आस तुम्हारी बहनी रोवत है करारी, बिरना लागी आस तुम्हारी बहना रोवत है करारी, बिरना लागी आस तुम्हारी मोरे दद्दा। भैया बिना बिरना के रे दिल माना, बिना भाई के रे दिल माना सबूरी होई है, बिरना आए नहीं कौन मजा। बुरी होई है दद्दा आए नहीं कौन मजा। इस तरह से बहन अपने अपने घर में सब बहन रो रही है कि हमारे भैया नहीं आए, दद्दा नहीं आए। हर समय अपने मायके की राह को निहारा करती थी, आज मेरा भैया हो सकता आ जाए, आज मेरा भैया आ जाए। लेकिन 3 बरस बीत गए परदेश में नौकरी करते। एक दिन उस लड़के ने मन में विचार किया कि मेरी माँ बूढ़ी घर में रो रही होगी, अब मुझे घर चलना चाहिए। इसलिए अपने मन में सोच करके अपने साथियों से बोला, यार अब तो मैं घर जाऊंगा क्योंकि मेरी अकेली माँ है घर में और वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। फिर जब परदेश से कोई घर आता है तो कुछ ना कुछ घर को ले करके आता है, इसलिए आज वो विचार करके बाजार को जाता है वही लड़का। बाजार गवावो लाल सुनो अपने मन में हर सायो है, अपने मन में हर सायो है। बाजार गया वो लाल सुनो अपने मन में हर सायो है, अपने मन में हर। अब अपने घर को जाऊंगा मैया की याद सतायो है, मम्मी की याद। बाजार को गया बड़ा प्रसन्न है और सोच रहा मैं अपने घर को जाऊंगा, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। लेकिन माँ के लिए क्या लिया जाए, दुकान पे गया और बड़ी सुंदर सी एक धोती अपनी माँ के लिए लेता है, कुछ जेवर भी ले लिए, बहनों के लिए भी ले लिए और चला। कि बहनों के हित आभूषण ले भाई घर वो सिधारो है, भाई घर और सिधारो है। असगुन उसको कछु हुआ वहां अपने मन माही विचारो है। बहनों
बहनों के लिए आभूषण लिया, वस्त्र लिया, अपनी माता के लिए कुछ कपड़े लिए, आभूषण लिए। प्रदेश से जब अपने घर को वापस आ रहा है वो लड़का, जो ही प्रदेश से घर के लिए रवाना हुआ, बहुत ही असगुन दिखाई देने लगे उसे। रास्ते में चलता है, ठीक हो गई और थोड़ा आगे बढ़ा, बिल्ली रास्ता काट गई, लेकिन कोई परवाह ना करके उसे तो घर आना ही था, घर को आ रहा है। झोला में रख लई सामान, सुनो निज घर को रो आई है। झोला में रख लई सामान, सुनो निज घर को रो आई है। रहिया में बाको शाम हुई, अपने मन सोच बनाई है। घर को वापस आ रहा है परदेश से, आते आते जब रास्ते में शाम हो गई, मन में सोचने लगा, मेरे पास तो 3 साल का कमाया हुआ धन है, कुछ आभूषण भी हैं, अगर कोई चोर रास्ते में मिल गए तो सारा धन लूट जाएगा, मैं माँ से क्या बताऊँगा, मेरी मैया तो रो रो के मर जाएगी। ये सोचता हुआ चला रहा है, फिर उसे अचानक ख्याल आया कि पास में मेरी बहन का गांव है, आज रात मैं बहन के यहाँ ठहर जाऊँगा और सुबह अपने घर चला जाऊँगा, बहन भी इंतज़ार कर रही होगी। ये सोच करके बेचारा वो भाई शाम होने को थी अपनी बहन के घर गया। अरे बहना के घर को जावे, अरे बहना के घर को जावे, अपने मन में बिरन हर सावे। आज बड़ी प्रसन्नता के साथ वो बहन के घर जा रहा, लेकिन मेरे भाई होनी की बदरिया छाए रही है धीरे धीरे, बिरना पे मुसीबत आए रही है धीरे धीरे। काले बादल मंडराने लगे हैं आज उसके बेटा के ऊपर, समय चक्र कैसा आने वाला। जिस समय बहन देखती है, देखे बहिनिया बिरन गई ले आई, बहन देखती मेरा भैया आ गया बा, देखे बिरनवा तो मेरो गए आई। मिलने को बहना तब धाई, आज भाई बहन मुस्काए रहे हैं धीरे धीरे, आज भाई बहन मुस्काए रहे। जो ही बहन देखती मेरा भाई आ गया, तुरंत तो दौड़ पड़ी, आज हृदय से लग गई और दोनों आज बड़े प्रेम से मुस्कुराने लगी। कहने लगी, बोलो मेरे भैया तुम इतने दिन बाद क्यों आए, क्यों नहीं बोलते मेरे भाई तुम इतने दिन बाद क्यों आए। भैया बोला, बहना क्या करें, ऐसी गरीबी थी, मेरे पास 1 पैसा नहीं था, इसलिए 3 साल मुझे बीत गए, मैं परदेश को चला गया था। आज बहना वहाँ से लौट करके आया हूँ, अब कोई पर्व खाली नहीं जाएगा, हर पर्व में तेरा भैया तेरे यहाँ आएगा। चलो, भाई ने विचार किया, बहन तुरंत ले गई आंगन में पलंग बिछा करके अपने भाई को बिठाई, सौकाई करती है, पानी लाई, हाल चाल पूछती है। लेकिन मेरे भक्तों, भाई ने विचार किया, वो जो पैसे का झोला है बहन को दिया कि बहना इस झोला को रख लो,
मैं सुबह अपने घर को जाऊंगा, तब मुझे दे देना। बहन जब पैसों को देखती है झोला में, आभूषणों को देखती है, तो उसके मन में पाप का बाप पैदा हो गया। आज भक्तों, बहना जब केशन हारी लई, मन में तो रही हर साई रे। महला जब केसन निहार लई, मन में तो रही हर साई रे। इतने रुपया यदि मिले मोहि तो मैं रनिया हो जाई रे। इतने जो केश यानी रुपयों को जब वो निहारती है, विचार करने लगी, रे वाह मेरा भैया इतने रुपया लाया, अगर कहीं इतने रुपया मुझे मिल जाए तो मैं महारानी बन जाऊंगी। वाह, उस बहन के मन में लालच आ गया और तुरंत अपने भाई को भोजन कराती है। किया क्या, भाई को भोजन करा करके हतवा में लेटाने जाती है, हतवा में लेटाने जाती है। भाई को भोजन करा करके हतवा में लटाने जाती है। इस धनप को मैं तो हड़प करूंगी, यह विचार मन लाती है भैया, ये विचार मन लाती है। अरे इस धन को मैं हड़प करूंगी, इस धन को मैं हड़प करूंगी, ये विचार मन लाती है बहना, ये विचार मन। भाई को घर में भोजन कराती है, भोजन कराने के पश्चात उसे हतवा में ले गई, जहाँ पर मशीन भैंसी उसकी बांधी जाती थी, उसे हतवा ही बोलते हैं, उस जगह पर ले गई और वहाँ पर चरपैया बिछाई। भाई को वहीं पर सुलाती है, कहने लगी भैया यहीं पर आप सो जाइए, लेकिन मन में विचार कर रही कि इतना पैसा है ये मैं किस तरह से पा जाऊँ, मैं तो महारानी बन जाऊँगी। फिर सोचती अकेले तो ये मिलना असंभव है, इसलिए अपने ससुर के पास गई और ससुर से बोली, ससुरा से बचन सुनाई है, क्या बिरन रुपया लाई है। जा करके अपने ससुर से बोली, पिताश्री। हाँ बोलो बहुरिया, क्या बात। मेरे भैया काफी इनकम लेकर के आए हैं, तो का सुनो, बिरना को मारी दो चल करके, राजा बन जाओ धन ले करके। अपने ससुर से बोली, चल करके मेरे साथ बीरन को खत्म कर दो, सारा धन मिल जाएगा, राजा हो जाएंगे हम आप। ससुर बोला, बहुरिया तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, खबरदार अगर ऐसी नीच बात मेरे सामने तू बोली, तुझे शर्म नहीं आई, मक्कार औरत कहीं की। सुन कि मोरी बहुरिया एक तऊ कखिया के भी रनवा दार दिया तुम्हारे नाहीं, दार दिया तुम्हारे नाहीं हो।
मोरी बउहर एक तो कोखिया के भी रनवा दर दिया तुमरे नाही दर दिया तुमरे नाही हो बउहर चली जाओ हमारी ना जर से दोबारा नहीं आयो दोबारा नहीं आए हो ससुर बोला मेरी नजर के सामने से तू हट जा दोबारा ऐसे वचन मत कहना नालायक कहीं की वहां से तो चली गई लेकिन उसके मन में जो लालच पैदा हो चुका है लालच के लिए कहा गया कि कहे सुने पाथर चली जाई कहे सुने पाथर चल जाई कहे सुने पत्थर चल जाई लोभ पाप की गांठ न जाई कहने सुनने से चाहे पत्थर डिग जाए लेकिन जो लोभ होता है पाप की गांठ ये नहीं हटती है। जा करके आज अपने पति के पास वो नारी पहुंच गई कहने लगी स्वामी कर जोर पिया से बोली है चरणन में शीशे नवाई है चरणन में शीशे नवाई है कर जोर बलम से बोली है चरणन में शीश नवाई है मन की और बात उस पापिन ने अपने सैया से बताई है अपने प्रीतम से जा करके अपने मन की बात अपने पति से कह दी। पति से कहने लगी पिया मेरे भैया आए हैं बड़ी अच्छी बात है वो तो मिले थे सेवा सत्कार खूब किया सेवा सत्कार तो मैंने खूब किया लेकिन पिया एक बात बतावें बहुत भारी रुपया लेकर के मेरे सैया आए हैं मेरे भैया बहुत भारी इनकम लेकर के आए हैं इसलिए मेरी इच्छा ये है कि मेरे भाई के सर को कलम कर दो सारा धन ले लिया जाए हम तुम राजा बन जाएंगे। पति बोला नारी सुन नारी के बन लाल भय नर गिरा उचारी नालायक औरत कही की सुन नारी के बन लाल भय नर गिरा उचारी तुए दर्द तन को नाई रे तू कैसे बचन उचारी बोले ना बचन संभारी हरी आरी 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 तेरे तन को नाही डाहरे ना बोले बचन संभारी कहने लगा तेरे जरा भी डाह नहीं है शर्म नहीं आई तो अपने भाई के लिए ऐसा सोच रही है अरे सुन एक ही मेरे साला है और एक ही तेरे भाई है यदि भाई को तुम मारेगी तो मैं का तेरा छुट जावेगा पी हर तेरा छुट जावेगा यदि बिरना को तुम मारोगी
हर तेरा छूट जावेगा और भाई बहन का प्यार सभी जो यही जगह लुट जावेगा बहना यही जगह लुट जावेगा आज वो बेचारा समझाने लगा कि तुम पागल हो गई हो, अगर तुम अपने भाई को मार दोगी तो एक ही भाई पीहर तो तेरा छूट जाएगा और भाई बहन का प्यार भी इसी धगा से खत्म हो जाएगा, संसार उजड़ जाएगा री पगली, और मेरी क्या दशा होगी। एक ही मेरो साला है, मैं जब ससुराल को जाऊंगा तो मेरे साला है, मैं जब ससुराल को जाऊंगा यदि मार दोगी हे सुन नारी किससे मैं हंसी बतलाऊंगा। कौन मुझे जीजा कई है और कौन तो पलंग बिछावेगा। कौन मुझे जीजा कही है और कौन तो पलंग बिछावेगा। मेरे गले में बाही डाल करके मैं पानी कौन पिलावेगा। अगर मैं अपनी ससुराल जाऊंगा कौन मेरे लिए सम्मान करेगा, कौन पलंग बिछाएगा, कौन मुझे पानी देगा, कौन मेरी बाहों में बांह डाल करके बात करेगा। मेरी तो ससुराल छूट जाएगी, तू पागल है, ऐसा हरगिज नहीं होगा। और एक बात समझाने लगा, सुनो महारानी जी, अगर पैसे की तुम बात कर रही हो तो सुनो। मोरी रनिया मारे नया पानी भी रनवा रुपया तुमका दया भाई रुपया तुमका दे भाई हो। समझाने लगा कि देवी जी सुनो, मोरी रनिया मारे नया पाना भी रनवा रुपया तुमका दे भाई रुपया तुमका दे भाई हो। रनिया करबाई मेहनत मा जुरिया रुपया वतन दे भाई रुपया वतन दे भाई। आज भक्तों इस तरह से वो पति बोला, भाई को मत मारना, मैं पैसे उतने ही ला करके दे दूंगा, मेहनत मजदूरी करके ला करके तुम्हें मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन अपने पति को बड़े प्रेम के साथ में सुला देती है। अंत में नौकर के पास गई और नौकर से बोली, चलो नौकर कहाँ चलना है मालकिन, इतनी रात में कहाँ चलना है। कहा चलो मैं तुम्हें बताऊँगी, मेरा भाई बहुत पैसे लेकर के आया है, उसका सर तुम काट लो, आधा पैसा आपको और आधा मैं ले लूँगी। नौकर कहने लगा, नहीं नहीं माता जी, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता हूँ, मैं पाप नहीं कमाऊँगा, ना मुझे कोई पैसा चाहिए। नौकर से बोली, तुम बहुत ईमानदार बनते हो, कल मैं तुम्हारी फांसी करवा दूँगी। नौकर विचार करने लगा, यूँ ही मरना है तो चलो ठीक है, लेकिन सुनो मलकिन, मैं भाई के शरीर को पकड़ लूंगा पर खोपड़ी तुमको काटना है, पर खोपड़ी तुम्हें काटना है, पर शीश तो तुम्हें। मैं भाई के शरीर को पकड़ लूंगा पर शीश तो तुम्हें काटना है,
इस काम के बदले हे मलकिन आधा तो धन बांटना है तुमको आधा तो धन। इतना मुझसे हो जाएगा कि मैं तुम्हारे भाई को पकड़ लूंगा, अपने हाथ से उसके सर को कलम कर देना, और इतने ही काम के बदले में मैं आधा पैसा तुमसे जरूर बंटवा लूंगा। मलकिन बोली ठीक है चलो। उधर बेचारा भाई सो रहा था, सपना सजाए आधी रात में पहुंच गई। कि अपने सगे भाई को बन कई डसी नगिनिया, अपने सगे भाई को बन कई डसी नगिनिया, बहनिया कारी नागिन बन गई। अपने सगे भाई को हाथ कटार को लेकर आई जहां पे सोवे भाई, हाथ कटार लेकर आई जहां पर सोवे भाई। नौकर पकड़ शरीर को लीना बहनी कटार चलाई, अपने सगे बिरन की हो भैया दादा, अपने सगे बिरन की बहनी काटी खोपड़िया, बहनिया काली नागिन बन गई। अपने सगे भाई के काट से आए खोपड़िया, बहनिया काली नागिन बन गई। सगे भाई का सर कलम कर दिया, नागिन बन गई मेरे भाई। लोथ चरपैया पे उलड़ रही है, दर्द नलाई वो जा करके अपने आंगन में लाश को गाड़ दिया। और आज इधर वही बेटा अपनी बूढ़ी माँ को सपना देता है, मैया मेरी मैया। क्या सपना दिया? राती सपना रतिया सपना, राती सपना देखावै लागे ललना, राती सपना आर सपना देता वो बेटा अपनी माता को कि मैया बहिनी कसाई हमें काट काट गाड़ी, बहिनी कसाई हमें बहिनी कसाई हमें काट काट गाड़ी। हे मैया तुमका मैया मम्मी, हे मैया तुमका ना मिले तोरे ललना राती सपना, राती सपना देखावै लगे ललना राती सपना। सपना देता है अपनी माँ को, माँ जब सपना देखती रात में उठ करके बैठ गई मेरा बेटा, बेटा आज बिचारी हाय हाय रो रही, सपना देख करके रो रही। और रहा नहीं गया मैया से, तुरंत माँ उठी और चल दी उसी बेटी के यहां मैया जाती हैं जिसके यहां वो भाई मारा गया। आवती देखे जब मैया को बिटिया तो मिली, अंगारी है बिटिया तो मिली अंगारी है।
मैया को बिटिया मिल गई अंगारी है, कैसे आगमन हुआ मैया बिटिया ये वचन उचारी है, बिटिया ये वचन उचारी है। आज जो ही देखती मेरी माँ रही, दौड़ गई माँ से मिली, मैया क्या बात तुम रो रही हो, कैसे आना हुआ? मैया बोली, बेटे मैं क्या बताऊँ बेटी, आज मैंने रात में ऐसा एक सपना देखा। कैसा सपना माँ, कौन सा सपना तुमने देखा मैया? मैया बोली, बेटी मैंने देखा कि मेरे बेटा को आपने सर कलम कर दिया। नहीं नहीं माँ, अगर मेरा भैया मुझे नहीं मिला तो सुनो माँ, बिन भैया के ना जी पाऊंगी। मैया अरे तुम कैसी बात करती हो, मेरा भाई मेरे प्राणों का प्यारा है और एक ही मेरा भाई है, मेरे नैनों का तारा है मेरी मैया। आज बहन क्या बोली कि बिन भैया के ना जी पाऊंगी, हाँ पाऊंगी, मैया खाई जहर मर जाऊंगी, मम्मी खाई जहर मर जाऊंगी। हमका जो मिले है ना हमारे बिरनवा, आज वही बेटी अपनी मैया से बोली, माँ हमका जो मिले है ना हमारे बिरनवा, खाई जहर दई दे बई परनवा। मैं बगैर भैया के नहीं रह सकती हूँ मैया, अरे उन्हें के संग मर जाऊंगी, मैया खाई जहर मर जाऊंगी, मैया खाई जा। भाई भैया भैया दद्दा मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, बिन भैया के ना रह पाऊंगी, बिन दद्दा के ना रह पाऊंगी, बिन बिरना के ना रह पाऊंगी, हाँ पाऊंगी, मैया खाई जहर मर जाऊंगी, मैया खाई जहर। आज इस तरह से बहन रोने लगी, शाम हो गई, मैया को अपने आंगन में चरपैया डाल दी, चारपाई वहीं पर बिछाती जहां पर भाई को मार करके लाश आंगन में गाड़ दी थी। माता आज सो गई, रात में बेटा फिर सपना दिखाया, मैया उठ करके बैठ गई, फिर लेट गई, फिर सपना दिखाया, फिर उठ करके बैठी। इस तरह से जब कई बार जागी उठी बैठी, जागी उठी बैठी, तो चारपैया के मचवा उसी आंगन में कुछ धसने लगे, मैया को शंका हो गई, तुरंत वहीं इधर उधर देखती है, औजार ढूंढ करके आंगन खोदने लगी। अजय आंगन खोदती है, आज मेरे बेटा कह करके चिल्लाने लगी, बेटा की लाश पाती है। इतने में भोर हो जाता है, रोती है मेरे बेटा, माता आज बेटा की लाश को पा करके इतना रोई चिल्लाई, मेरे बेटा मेरे लाल, मोई छोड़ के बेटा चले गए, अब धीरे देवैया कोई नहीं, बेटा लाल ललुआ बेटा, मोई छोड़ के बेटा चले गए, अब धीरे देवैया कोई नहीं, लाल मर जाऊंगी तेरे बिन रे नैया, कखवैया कोई नहीं, मर जाऊंगी। अब तक मेरा बेटा एक हाथों
अब गोद खिलैया कोई नहीं बेटा लाल बेटा की लाश को लेकर के कर मली मली मैया रोई रही बेटा को लाल बेटा तुम बिना मैं तो मर जाऊंगी मेरी गोद खिलैया कोई नहीं बेटा और राम है तभी रोई रहे जनहाल पुछैया कोई नहीं और राम आज बिचारी बेटा को पाकर इतना रोती बिलखाती तब तक कुछ और लोग आ गए और उधर शंकर भगवान पार्वती के साथ जिस समय गांव के बाहर निकले पार्वती मैया ये रोने की आवाज सुनती हैं शंकर भगवान से बोली स्वामी कोई माँ की ममता रो रही है चल करके वहां पर देखा जाए। शंकर भगवान ने कहा चलो दुनिया में कोई रोएगा कोई हंसेगा लेकिन पार्वती का लेकिन नहीं भोला ये किसी माँ की ममता रो रही है इसलिए चलना होगा। पार्वती जी तुरंत भेष बदलती हैं भगवान शंकर भी साधु का भेष बनाए और वहीं पे आ रहे जहां पर वो मैया रो रही है। कहती मैया कि हमका भी सारी गई ले गोदिया के खेलाइया मेरे लाल मेरे बेटा मेरे लाल हमका भी सारी गई ले गोदिया के खेलाइया मैया उतारा ही बिला खाई जी बेटा रे लाल कैसे का जी बाई बिन तोरे लाला नावा मेरे बेटा कैसे का जी बाई बिना तोरे लाला नावा कहूं ठेका नाम रो नाई ऐसी तो मैया केरी दशारे निहारे ऐसी तो मैया केरी दशा निहारे प्रीतम रहे हैं बिले खाई इस दशा को देख करके आज मेरे भक्तों शंकर भगवान ने कहा धीरज रखो माँ धीरज रखो मैया बाबा जी के चरणों में पड़ गई। बाबा जी मेरे प्राणों का प्यारा एक ही लाल था इसे आप जिंदा कर दें। शंकर भगवान अपनी शक्ति से अरे भोला तब दीन जिलाई अरे भोले बाबा दीनो जिलाई पाई ललनवा खुशी भाई माई अब जय जयकार मनाए रही हैं धीरे धीरे भोला के गुण अब गाए रही हैं धीरे धीरे अरे विजय कैसे तो कुछ गजब की ऐसी विजय कैसे तो कुछ गजब की ऐसी ज
जा में रसिया गुण गाय रहे हैं धीरे धीरे, जा में रसिया गुण गाय रहे हैं धीरे धीरे। आज मेरे भक्तों भोले बाबा का गुणगान करने लगी वो मैया। बेटा को जब शंकर भगवान ने जिंदा किया, बड़े हर्षोल्लास के साथ बेटा को पा करके वहाँ बेटा को लेकर के चलती है माँ, और बेटा से बोली कि हे बेटा, आज से इस बहन को त्याग देना, फिर कब लौट नहीं आना रे। आज से बहना को त्याग देना, फिर कब लौट नहीं आना रे। संग में लेकर के बेटा को मैया घर की न पयाना रे। तब जहर खाई के बहन मरी, सदमा तो सहना पाई है, बस इसीलिए देखो बहना हत्यारिन बहिन कहाई है। जे धन के कारण सुनो मेरे भाई, बिरना कदई मरवाई है। और राम है तने गायो है, विजय ने कैसेट बनाई है। राम है तने गायो है, फिर विजय ने कैसेट। मुकेश कुमार जी ढोलक बजावे, भोला घड़ा लगाई है। धर्मेंद्र जी का बाजार है, फिर गया मंजीरा। गुरु हमारे श्री द्वारिका सिंह यादव, राम हेतु यादव गाई है।